वो फाइनल रिजल्ट आने दीजिए ना, उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। सभी देख सकते हैं अभी बाजार समिति के पास है, सासाराम के पास, और पावर स्टार पवन सिंह का जो है और क्या बोलते हैं उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम कुशवाहा फर्स्ट चरण का जो है अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें पवन सिंह जो है तीसरे स्थान पे चल रहे हैं। आप सभी को बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। पहले नंबर का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें एक नंबर पे राजा राम कुशवाहा चल रहे हैं और दूसरे नंबर पे उपेंद्र कुशवाहा चल रहे हैं और तीसरे नंबर पे पवन सिंह चल रहे हैं। उससे पहले बता दें कि यहाँ पे दिखा दीजिए एक बार कितना कड़ी सिक्योरिटी है, और यहाँ पे देखिए पूरा जो है बाजार समिति के पास रोहतास में जो है पवन सिंह के चाहने वाले लोग जो है घंटों से इंतजार कर रहे हैं, उनके समर्थन में लोग इतने धूप में जो है आकर अभी भी समर्थन कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि पवन सिंह को जो है फर्स्ट अनाउंसमेंट में जो है 9000 वोट मिले हैं, जिसी में बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा का दूसरे नंबर है और राजा राम कुशवाहा जो है तीसरे नंबर पे है। और आपको बता दें यहाँ पे देखिए पुलिस प्रशासन भी है, काफ़ी ज़्यादा कड़ी सुरक्षा में है, और यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो उधर भी रोड जो है बंद कर दिया गया है। और आप सभी को बता दें कि पवन सिंह के लिए ये कितना टफ होगा ये आज का रिजल्ट, कि मैं बताऊं आपको कि पवन सिंह के लिए इतना ज़्यादा टफ होने वाला है रिजल्ट। अच्छा जी किनको किनको देखने के लिए आए हैं? हम उपेंद्र कुशवाहा के देखने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा को देखने के लिए? हाँ, क्या लग रहा है? हाँ हाँ वही जीतेंगे। अच्छा, अभी रिजल्ट आया था, मतलब कुछ अभी फर्स्ट चरण का अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। नहीं, दूसरे नंबर से क्या होगा, लेकिन अभी पूरा खुलेगा तब ना, पूरा फाइनल रिजल्ट में उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। फाइनल रिजल्ट में उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे, लेकिन पहले नंबर पे राजा राम चल रहे हैं और तीसरे नंबर पे पवन सिंह चल रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आने दीजिए ना, उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। फाइनल रिजल्ट आपको भरोसा? एकदम एकदम कुशवाहा जीतेंगे, एकदम भरोसा। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अभी तो सिर्फ एक एक फर्स्ट अनाउंसमेंट हुआ है, जैसे निकलेंगे। नहीं नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी नंबर वन है, नंबर वन रहे। आप लोग फूल माला फूल माला के लिए तैयार है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल फूल माला लेके तैयार है। कुछ के लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हवा में उड़ जाएंगे अभी इस बार आज का जो। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? दमदार नेता है, जानदार नेता है, शानदार नेता है, और हवा में कैसे उड़ जाएंगे? नहीं, आप नहीं, आप कह रहे हैं ना, लेकिन वो ग्रास रूट के नेता है और जनता चाह रही है, काट की जनता पूरा सपोर्ट किया है, वो फाइनल रिजल्ट में उन्हीं का जीत होगा। फाइनल रिजल्ट में उन्हीं का जीत होगा। पवन सिंह के लिए कहना चाह रहे हैं कि पवन सिंह कितने वोटों से? अब हम उसका अनुमान नहीं है कि कितना लीड होगा, मुझे इनका जो है साफ साफ कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो है यहाँ से लीड करेंगे। बात बाकी जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पवन सिंह आखिर किनको टक्कर देंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पवन सिंह जो है बहुत सारे वोटों से आगे निकलेंगे। बात बाकी यहाँ पर देखिए पूरा बैरियर है, यहाँ पे लोग भी आना जाना शुरू हो गया है। कुछ लोग से बात करते हैं, भैया क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है यहाँ का? भैया हमारा तो कुछ बुझाते नहीं है। तब वो से कुछ नाश्ता पानी करके आ रहे हैं। बात बाकी आपको अपडेट जो है हम देते रहेंगे कंटिन्यू। आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय विचार जो है कमेंट में जरूर डालिएगा। अभी इस समय थे रोहतास में, जो कि आप दिखा दीजिए एक बार, यहाँ पे बाजार समिति है और यहीं से जो है अनाउंसमेंट हो रहा है। फर्स्ट चरण का जो है अनाउंसमेंट हो चुका है, अब सेकेंड चरण में होगा। आप देखिए क्या होता है, बन रही है हमारे साथ रेडियो बिहार। जब तक के लिए जय हिंद।